दोस्तों, अभी तक हमारे एड ऑन के अंदर टूल्स में एड ऑन मैनेजर हुआ करता था, मैनेज एड ऑन्स का ऑप्शन, जहाँ से इजिली हम किसी भी एड ऑन को मैनेज कर सकते थे, उसे डिसेबल करना हो, रिमूव करना हो, इजिली हम कर सकते थे। बट अगर हमें कोई भी नया एड ऑन डाउनलोड करना होता था एड ऑन स्टोर के थ्रू, तो सिंपल हमें जाना पड़ता था गेट के ऊपर, मीन्स गेट का जो बटन अवेलेबल था उसके ऊपर, एंड देन वहां से फिर हम उनके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होते थे जो कि एड ऑन कम्युनिटी था, या फिर हम गूगल पे सर्च कर सकते थे एनबीडी एड ऑन, फिर इजिली हमें एड ऑन कम्युनिटी वाला वेबसाइट मिल जाता था जहाँ से इजिली हम अभी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अभी भी मिलता है सर्च करने पर। बट क्यों ना ऐसा होगा, डायरेक्टली हम अपने एनवीडीए के अंदर से ही एड ऑन्स को डाउनलोड कर सके, तो अभी ये पॉसिबल है। बट अभी ये अपडेट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये बीटा स्टेज में है, और 23.1 जो एनवीडीए का वर्जन है इसके अंदर करंट टाइम पे अवेलेबल नहीं है। 23.1 के आगे जो अपडेट आने वाला है, मीन्स 2, वहां पर आपको ये अपडेट हो सकता है मिल जाए काफी जल्द, उस पर आने वाला है। बीटा स्टेज में तो काफी सही से वर्क कर रहा है, जिसे आपने आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, और इसी तरह के अपडेट्स लॉन्च होने से पहले ही जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एनवीडीए मेन्यू में चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वर्जन चेक करा देता हूँ कौन सा ही वर्जन NVIDIA अवेलेबल user है। guide to desktop list. This PC NVIDIA 2023.2 beta 1 user. ओके, एनवीडीए 2023.2 बीटा 1 का ये यूजर गाइड है, और मतलब करंट टाइम पे हमारा जो एनवीडीए का वर्जन है वो भी यही है। सो अभी हम अपने टूल्स के अंदर चलेंगे एनवीडीए मेन्यू में। NVIDIA menu preference tools subview log V. पहले यहाँ पर हमें सामने मैनेज एडऑन्स का एक बटन मिल जाया करता था, बट अभी Speech viewer, Braille viewer B, add dash on store S. एड ऑन स्टोर मिलता है। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अभी मैनेज एड ऑन्स नहीं है, एड ऑन स्टोर है, जिसका सिंगल लेटर की कमांड यहाँ पर एस सेट कर दिया गया है। एंटर करते हैं। Add dash on store dash installed add dash on left paren all right paren dialog eloquence synthesizer installed add dash on colon list alt plus a eloquence synthesizer semi installed version colon 0.220. ओके, यहाँ पे ये रहा करंट हमारा इंस्टॉल्ड एड ऑन्स का लिस्ट, math cat colon now semi and remote support semi. जितने भी एड ऑन्स हमारे पास इंस्टॉल्ड है वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। टैब का यूज करते हैं। Now remote support, now set description colon edit read only multi line now left paren NVDA advanced OCR right paren is an added that improves the standard OCR capable now left. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है सिंपल इस एड ऑन के बारे में, जो भी डिटेल्स हैं अगर आपने इंस्टॉल कर लिया बाद में अगर भूल जाते हैं क्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आप रीड कर सकते हैं। Actions button Alt plus C. एक्शंस का एक बटन ऐड किया गया है जिसमें यहाँ पे टैब के थ्रू नेविगेट कर रहा हूँ। Context menu disable D. डिसेबल है, रिमूव R. रिमूव है। अभी आप डिसेबल और रिमूव इजिली इसे एक्शन बटन के ऊपर जाकर कर सकते हैं। Add dash other details colon edit read only multi line alt plus o author colon colon question mark Alessandro Albano less ale dot Albano 1980 at mail dot com greater Davide the Carm less Davide dot Deck at mail dot meso less Simon ID installed version colon colon question mark 2023.1. ओके, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं लाइक ऑथर इंस्टॉल्ड वर्जन, जो आपको डिटेल्स अबाउट दिस एड ऑन पे क्लिक करने पे मिला करता था जब हम एड ऑन को इंस्टॉल करते हैं, तो वो डिटेल्स अभी यहाँ पर भी हमें लिखे हुए मिल जाते हैं। Install from external source button Alt plus X. इंस्टॉल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब जो पहले इंस्टॉल का बटन था, लाइक आप एक्सटर्नल सोर्स से कोई अगर एड ऑन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं एड ऑन। Close button. क्लोज का बटन है। यहाँ पे एक और बटन हुआ करता था गेट का, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि गेट अब हट चुका है और उसके जगह पे कुछ और आ गया है। टैब करेंगे, ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन है। Tab control installed add dash on tab selected. यहाँ पर टैब्स हैं। यहाँ पर पहले बाय डिफॉल्ट हमारा जो फोकस गया था वो कहाँ गया था, channel colon combo box enabled slash disabled search colon edit alt plus installed add that इंस्टॉल्ड एड ऑन्स लिस्ट के ऊपर, बट यहाँ पे चार ऑप्शन नए जुड़ गए। Tab control installed add dash on tab selected. Install add ons tab है, right arrow. Updatable add dash on tab selected. Updatable add ons. Available add dash on tab selected. Available add ons. Installed incompatible add dash on tab selected. Installed incompatible add ons. यहाँ पे चार टैब्स है। फर्स्ट है installed add. Installed add ons, जो करंट टाइम पे add on installed है। Updatable add dash. Updatable add on, ऐसा कोई add on जिसका update available है। Available add dash on tab selected. Available add ons, जहाँ पर हमें सारे add ons मिल जाएंगे जितने भी करंट टाइम पे available है। Installed incompatible add. और इंस्टॉल्ड इनकम्पेटेबल एड ऑन, अगर कोई ऐसा एड ऑन है जो कि इनकम्पेटेबल है तो वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। Available add that. हम अवेलेबल एड ऑन वाले टैब को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट राइट में मैंने प्रेस कर दिया और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। टैब का यूज करेंगे। Channel colon combo box stable collapsed alt plus n. ओके, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। All. ऑल है, stable. स्टेबल है, Beta. और बीटा है, Dev. डेवलपर है, External. एक्सटर्नल है। पांच ऑप्शन अवेलेबल है, तीन नहीं पांच है टोटल। All. हम ऑल को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर सभी का मीनिंग अलग अलग है। स्टेबल का मतलब जो बिल्कुल स्टेबल है, बीटा हो गया, डेवलपर वर्जन वाला हो गया, सबका अलग अलग वर्जन होता है। वैसे ये अगर हम वेबसाइट पर भी देखें तो एड ऑन कम्युनिटी में हर एक एड ऑन के डिटेल पेज में मेंशन होता है,
चैनल हम ऑल को सेलेक्ट कर लेते हैं, टैब इंक्लूड इनकंपैटिबल ऐड डैश ऑन चेक बॉक्स नॉट चेक्ड आउट प्लस आई इनकम्पेटेबल एड ऑन भी कोई हो तो वो भी इंक्लूड हो जाए, चेकबॉक्स अवेलेबल है। सर्च कोलन एडिट आउट प्लस एस प्लान सर्च कर सकते हैं एड ऑन्स को, यहाँ पे ये भी एक न्यू ऑप्शन जुड़ चुका है, हर एक टैब में आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अवेलेबल ऐड डैश ऑन कोलन लिस्ट क्लिप कंटेंट्स डिजाइनर यहाँ पर डेटा कनेक्टेड होना चाहिए अभी अवेलेबल एड ऑन्स वाले लिस्ट के लिए। क्लिप स्पीक सेमी ऑफ क्लॉक सेमी ऑफ क्लिप स्पीक सेमी अवेलेबल वर्जन कोलन अब जैसे ये क्लिप स्पीक है, देखते हैं इसे टैप करेंगे। Description colon edit read only multi line add dash on the speak clipboard information add dash on the speak clipboard जैसे इसका ये डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, देखते कोई ऐड available कोई और ऐड ऑन। clip content clip content clip content check in c clip contents to c clip contents designer semi c clip contents designer जैसे यहाँ पे अलग अलग ऐड ऑन अवेलेबल है, g golden cursor semi g gold wave semi available version जैसे यहाँ ये गोल्ड वे को एक ऐड ऑन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ इसे इंस्टॉल, तो टैब Description colon edit read only multi line and add dash on for enhancing access and usage of the gold wave audio editor Tab, Actions button Alt plus C. Actions button spacebar. Context menu install I. Install है. Comma pagem. और homepage. License L. License है. Source code C. और source code है. Install I. चार options available हैं. जस्ट अगर हम install पे क्लिक कर Add dash on store dash available. Add dash on left parent. All right parent. अभी यहाँ हमारे add-on जो है वो हमारा अभी NVDA के अंदर install होना शुरू हो जाएगा. Other details colon edit read only install from external source button Alt close button. Tab can close button. Close करते हैं इसे. Add that add restart NVDA. ये आ गया रिस्टार्ट एनवीडीए, एंटर करते हैं, एनवीडीए रिस्टार्ट हो गया, मतलब हो गया। Desktop list, this PC one of 19. एनवीडीए मेन्यू में, NVDA menu, view log, add dash on store dash install. ओके, इंस्टॉल एडॉन्स के लिस्ट में देखते हैं, गोल्ड वेव, जी, गोल्ड वेव सेमी, इंस्टॉल्ड वर्जन कोलन, ये आ गया इंस्टॉल्ड। अभी गोल्ड वेव यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल हो चुका है हमारे सामने, जस्ट काफी क्विकली ये हो गया हमारे पास। तो इजिली यहाँ पर मुझे किसी वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ा, मुझे अपने डाउनलोड्स में जाकर एंटर करके उसे एक्स्ट्रा पे यस नहीं करना पड़ा, वो जो स्टेप था हमारा बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो गया, जस्ट हमने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया और हमारा एड ऑन यहाँ से इजिली इंस्टॉल हो गया, जो कि काफी सही है। वैसे फीचर करंट टाइम पे जैसे आपको बता चुका हूँ बीटा में अवेलेबल है, बट अभी ये पब्लिक में हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में आ जाए, जो कि एनवीडीए 23.2 होगा। तो ये करंटली एनवीडीए 22 में तो नहीं है, 23.1 में भी नहीं है, उसके बाद आने वाले अपडेट्स में आने वाला है। सो वेट करते हैं इस अपडेट के पब्लिकली लॉन्च होने का, और उम्मीद करते हैं आपको ये अपडेट अच्छा लगेगा। आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं अबाउट सेक्शन को और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को।